हेलो बच्चों, जय माता दी। कैसे हो? आज के इस लेक्चर में रोलिंग मोशन ओवर द इंक्लाइन प्लेन को सीखेंगे विथ वन ऑफ अ स्पेशल सिचुएशंस। इफ अ स्फेरिकल सेल फिल्ड विथ नॉन विस्कस लिक्विड। इस डायग्राम में ये स्फेरिकल सेल है। सपोज उसका मास हमने m माना है और इसकी रेडियस क्या है? r। इसके इनसाइड जो लिक्विड हैं इसके भी मास को हम m ले रखे हैं। और ये अस्फेरिकल सेल फिल्ड विथ लिक्विड ओवर दिस इंक्लाइन प्लेन रोल करता हुआ नीचे आ रहा है। सो इस क्वेश्चन से हमें क्या निकालना है कि ड्यूरिंग रोलिंग मोशन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहे हैं इसके वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सो वन थिंग जो हमें रिमेम्बर रखना है कि इस अस्फेरिकल सेल के इन साइड में जो लिक्विड हैं वो हमारा नॉन विस्कस है, और नॉन विस्कस लिक्विड ड्यूरिंग रोलिंग मोशन, इस नॉन विस्कस लिक्विड का ओनली ट्रांसलेशन मोशन होगा, अनेबल टू टर्न विथ दिस अस्फेरिकल सेल। नॉन विस्कस होने की वजह से हम यहाँ पर इनसाइड जो लिक्विड है उसका हम कौन सा मोशन कंसिडर करेंगे? तो ओनली ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशन मोशन ऑफ लिक्विड विल बी कंसिडर। जबकि स्फेरिकल सेल का क्या होगा? ट्रांसलेशन भी होगा एज वेल एज इसमें रोटेशन मोशन भी होंगे। सो किसी इंस्टेंट पर इसके फोर्स वाली डायग्राम को यदि हम ऑब्जर्व करेंगे तो लिक्विड का वेट अलॉन्ग विथ स्फेरिकल सेल का वेट डाउन द इंक्लाइन प्लेन के आएंगे एम जी साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। तो इसको हम टू टाइम्स ऑफ एम जी साइन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन अपवर्ड डायरेक्शन में वी सपोज स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू एफ एस है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही हमें ये रोलिंग मोशन यहाँ पर संभव हो पाएंगे ओवर द इंक्लाइन प्लेन, बिकॉज ये हमारा एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन का केस बन रहे हैं। काइनेमेटिक इक्वेशन यदि हम इस ऑब्जेक्ट का लिखेंगे तो E का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन, और इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगी। और चूंकि ये रोल कर रहा है तो इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन लिखेंगे A माइनस अल्फा आर इट शुड बी इक्वल टू जीरो। A हम फोर्स इक्वेशन से लिखेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है इट इज टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ जो ऊपर क्यों एक्ट कर रहा है इक्वल टू टू एम इंटू ए। ये हमारा फोर्स इक्वेशन हो गए। सेंटर ऑफ मास के बाद यदि हम टॉर्क इक्वेशन लिखेंगे तो इस फ्रिक्शन का टॉर्क क्लॉकवाइज होगा एफ इंटू आर इजिकल टू, अब यहाँ पर हम रोटेशन सिर्फ अस्फेरिकल सेल का लेंगे, जो लिक्विड फील्ड है उसका रोटेशन नहीं कंसिडर करेंगे, यानी उसमें रोटेशन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू नहीं होगा। तो ये वैल्यू टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा लिखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये आर से आर कैंसल होगा, अल्फा इंटू आर इसकल टू ए। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम सबसे पहले क्या निकाल ले, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशंस वी हैव टू फाइंड आउट ए। तो ए इसकल टू यहाँ से क्या वैल्यू आएंगे, जी साइन थीटा माइनस एफ डिवाइडेड बाई टू एम। और सेकेंड इक्वेशन से हम क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू आर इसकल टू थ्री बाई टू इंटू एफ डिवाइडेड बाई एम। नाउ इन दोनों वैल्यूज को इस वाले इक्वेशंस में ए इजकल टू अल्फा आर या ए माइनस अल्फा आर वाले इक्वेशंस में पुट कर दें। अब देखते हैं हमारा क्या वैल्यू आएगा। सो ये वैल्यू हमें क्या आने वाला है, देखिए ए बराबर यहाँ से क्या लिखेंगे तो जी साइन थीटा माइनस एफ बाई टू एम इजकल टू फ्रिक्शन फोर्स डिवाइड बाई टू एम इजकल टू अल्फा आर, अल्फा आर इजकल टू थ्री बाई टू एफ बाई एम। अब इसको राइट हैंड साइड ले आए तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगा, जी साइन थीटा इसकल टू जी साइन थीटा इसकल टू ये वैल्यू फोर बाई टू एम, क्योंकि ये एलसीएम टू एम रहेंगे वन प्लस थ्री फोर डिवाइडेड बाई ये फोर बाई टू एम इंटू एफ। सो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू यहां से क्या कैलकुलेट होगा, द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स हेयर इज एफ इसकल टू यहां से टू टू कैंसल हो जाएंगे दैट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टू। सो दिस इज योर फ्रिक्शन फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट इज एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन विल बी ऑब्टेन फ्रॉम दिस इक्वेशंस
ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस एफ बाई टू एम. सो व्हाट विल द वैल्यू, लेट मी चेक इट. एसलेशन इज इक्वल टू ए बर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ डिवाइडेड बाई टू एम टोटल मास. सो दिस वन इज जी साइन थीटा माइनस एफ, एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई फोर एम. सो ए इज इक्वल टू थ्री बाई फोर जी साइन थीटा. सो दिस इज योर आंसर. सो नेक्स्ट क्लास में हम इसमें कुछ और जो जेई एडवांस के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस के हेल्प से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का रिवीजन कर सकते हैं. जब भी आपको टाइम ऑफ हैंड टाइम मिलते हो हमारे वीडियो को जरूर देखो और फिर उस चैप्टर को आप रिवाइज करो. ओके, थैंक यू बच्चों.